कांग्रेस, जेजेपी और अन्य अभी के आंकड़ों के हिसाब से आपस में जुड़ भी जाती हैं तो 46 का आंकड़ा जिसको पाना होगा उसके लिए 3 की और जरूरत होगी। यानी कि कुल मिलाकर मामला बुरी तरह से हरियाणा का इस वक्त फंसा हुआ है। और ये देखिए, आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 38 पर जाकर उसकी सुई अटक गई है। इससे आगे वो कैसे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। जेजेपी को लुभाने में अब भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने डिप्टी सीएम का ऑफर दे दिया है दुष्यंत चौटाला की पार्टी को। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों की घड़ी, 47 सीटें जिस पार्टी ने 14 में हासिल की थी, 38 पर जाकर उसकी सुई अटकी हुई है। न आगे बढ़ने को तैयार, ना पीछे जाने को तैयार जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है। और जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आज तक को मिली है वो ये कि दरअसल सरकार बनाने की कवायद के तहत बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से संपर्क साधा गया है दुष्यंत चौटाला से। मीनाक्षी, और कांग्रेस का क्या हाल है? और देखिए, कांग्रेस जो है अभी 32 सीटों पर यहां दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि अब सरकार बनाने की स्थिति में जो तस्वीर उभरेगी वो क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। बीजेपी भी संपर्क में है दुष्यंत चौटाला के, और कांग्रेस से भी डेप्यूटी सीएम पद ऑफर हुआ है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि 32 सीटों का ये आंकड़ा 46 तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए आपको जेजेपी की मदद की जरूरत है, आपको अन्य से आंकड़े जुटाने होंगे। लेकिन तो भी नहीं हो रहा है 46, तो भी जो है मैजिकल फिगर 46 का जो बहुमत का आंकड़ा है वहां तक अभी ये गठबंधन पहुंचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हरियाणा का पेच लगातार फंसा हुआ है। और जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि किसने खेल बिगाड़ा है, दो मुख्य तौर पर जो वजह सामने आती है, एक तरफ बागी जो है हरियाणा में उनको बागियों का जो पूरा का पूरा पिक्चर था वो सपोर्ट नहीं मिला, जिसका नुकसान बीजेपी को यहाँ पर करीब करीब 10 सीटों का हुआ है। देखिए, हरियाणा में जो सबसे बड़ी वजह है, जाटों ने बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ वोट किया है और वो वोट कांग्रेस और जेजेपी में जाकर मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ दलितों का जो सपोर्ट था वो भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिला नहीं है और वो कांग्रेस और दूसरे अन्य पार्टियों की ओर शिफ्ट हो गया है। शायद यही वजह है। आप देखिए, 31, जेजेपी की 9 मिलाकर 40 और अन्य 11 को जोड़ दे तो इस तरह से ये आंकड़ा धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है, पीछे भी, लेकिन महत्वपूर्ण यही है। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे फ्लोर पर इसी तरह की तस्वीर हरियाणा विधानसभा की होगी, जहां पर 39 बीजेपी, क्या जेजेपी सपोर्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी को, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, या फिर जेजेपी को मनाने में कांग्रेस पार्टी, मीनाक्षी, कामयाब हो जाती है। और जो ये विधानसभा की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, त्रिशंकु विधानसभा, जिस बात का जिक्र आज तक एक्सेस माई इंडिया के पोल ने भी किया था कि त्रिशंकु विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, हालांकि अभी तक के नतीजों के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी है लेकिन बहुमत से दूर है। और कांग्रेस के लिए थोड़ी अच्छी खबर, 31, 10 जेजेपी और 11 को अन्य मिला लेंगे तो कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति हो जाएगी, वो सरकार बना सकती है। लेकिन जेजेपी जाएगी किसके पास, ये देखिए, ये ग्रीन कलर से जेजेपी के बैठे हुए कुछ चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स की मदद से, विधानसभा की ऐसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा में। लेकिन जेजेपी किसकी तरफ जाएगी, किसका ताला खोलेगी, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल हरियाणा को लेकर तो मामला बुरी तरह से फंस गया है, अब सब कुछ ऐसा लग रहा है जेजेपी के हाथ में है, वो जिस तरफ चली जाएगी उस तरफ की पार्टी सत्ता में आ जाएगी।